सलो सर, कैसे हो आप? सोलो सो इस मेरे पीछे देख रहे हो कि वे की K300N एंड आज जो है इसके डिटेल्ड वॉक राउंड करने वाले हैं, जिसमें कि इसकी प्राइसिंग वगैरह या फिर भाई एग्जॉस्ट साउंड से लेकर सारे फीचर्स वगैरह सब कुछ जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस की से की जो है काफ़ी प्रीमियम मिलती है आपको इसमें ड्यूअल टोन में, एंड वेव की यहाँ पे मिलती है। आप लाइक वेव देख रहे हो की के अंदर, ये जो आपको हर बाइक में जो है नहीं मिल पाती है, लेकिन आपको इस बाइक में वेव की मिलती है और भाई काफ़ी बढ़िया भी लग रही है। तो सबसे पहले इंसर्ट करते हैं इसकी की एंड देन अपन सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट से। फ्रंट में जो आप देख पा रहे हो कि पूरा हेडलैम्प वगैरह या फिर टेल लैम्प सब कुछ जो है भाई LED में है। यहाँ पर जो आपको DRLs मिलती है, लो बीम हाई बीम दोनों ही जो है LED में है। रिफ्लेक्टर LED लाइट आपको यहाँ पर मिलेगी। इंडिकेटर्स भी जो आपको LED में देखने को मिलते हैं। ये जो सस्पेंशन है इसके गोल्डन कलर में, ये UST सस्पेंशन आपको मिलते हैं और जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। साइड में जो रिफ्लेक्टर है, इस साइड भी उस साइड भी, मडगार्ड जो आपको प्लास्टिक में मिलेगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पे जो अपनी नंबर प्लेट लग जाएगी, नंबर प्लेट के लिए जो इन्होंने कहा यहाँ पे जो है नहीं रखा है। यहाँ पर जो टायर के बारे में बात करूँ तो 110 सेक्शन का आपको टायर मिलता है और रेडियल टायर यहाँ पे आपको मिलेंगे। लाइक जो ग्रिप वगैरह है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्यूअल चैन लेवियस मिलता है, फ्रंट में काफ़ी बड़ा डिस्क है और जो ब्रेक कैलिपर्स है वो भी काफ़ी अच्छे साइज़ के दिए गए हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई कंपनी वगैरह जो है मेंशन नहीं है, बट रिस्पॉन्स वाइज काफ़ी अमेजिंग है। राइड कर चुके हैं हम इसको ऑलरेडी। यहाँ पे जो ABS आपको मिलेगा काफ़ी बड़ा, पीछे भी जो ABS है। एंड अभी चलते हैं साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में आता हूँ, यहाँ पे 12 लीटर्स का टैंक मिलता है। यहाँ पे जो डिज़ाइन दिया है फेयरिंग का, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है और फील कराता है लाइक मतलब भाई कुछ है बाइक में पावर वाली चीज़। उसके बाद यहाँ एक ग्रिल आपको दिखेगी, ये भी काफ़ी स्पोर्टी फील कराएगी। यहाँ पे एक स्टिकर मिल जाता है कीवे के लोगों का, यहाँ पे कीवे लिखा हुआ है, पूरा स्टिकर्स यहाँ पे है। यहाँ पे जो आपको स्पोर्टी स्टिकर्स मिल जाते हैं रेड कलर में। उसके बाद पूरा चेसी जो है ना आपको ब्लैक कलर में यहाँ पे दिखेगा और ये जो है कार्बन लाइक कार्बन फिनिश जो है वैसे कुछ लगेगी, बट है नहीं, डिज़ाइन दिया है ओनली। यहाँ पे 300 स्टिकर में लिखा हुआ है लाइक ग्राफिक्स में। पीछे जो है अपने को K300N की स्टिकरिंग मिलेगी। अभी आ जाते हैं वापस से इंजन पे। तो इंजन जो इसमें 300cc का मिलता है, 27.8 BHP की पावर एंड ऑलमोस्ट 25 Nm का टॉर्क देता है। 6-speed का गेयरबॉक्स है, लिक्विड कूलिंग के साथ में आता है और ये जो इंजन काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। पावर जो आपको अमेजिंग मिलने वाली है यहाँ पे। उसके बाद फ्रंट में जो है नीचे काफ़ी अच्छा सा जो एक इंजन कवर दिया गया है, देखने में काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है और मड वगैरह भी ज़्यादा नहीं जाएगी इंजन पे, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। अंडरबेली एग्जॉस्ट इसमें भी और जो है K300R दोनों में ही जो आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है। साउंड बट दोनों ही डिफरेंट है, तो इसकी साउंड देखते हैं कैसी है। K300R ऑलरेडी आप देख चुके हो। तो अभी जो है इंजन के बारे में लाइक माइलेज टॉप स्पीड बताऊँ तो लगभग जो है 160-165 तक इसकी टॉप स्पीड भी है और लगभग जो है 30 तक आपको ये माइलेज भी दे देगी। बाकी आप पे डिपेंड है, आप 40 भी निकाल सकते हो, 35 भी, बाकी जो है सब आपके राइडिंग बिहेवियर पे डिपेंड करता है। फ्रंट में एक सिंगल हॉर्न है जो कि आई थिंक यहाँ पे विजिबल नहीं है, बट हाँ ज़्यादा अंदर देखोगे तो दिख जाएगा। आ जाता हूँ पीछे की साइड में। यहाँ पे जो है फ्रंट फुटरेस्ट है, ये जो है रियर फुटरेस्ट है। रियर ब्रेकिंग आपको मिल जाती है। मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पे आपको मिलता है वाइट कलर का। उसके बाद ये K300 आपको मिलेगा, काफ़ी सही लग रही है पीछे से बाइक। लाइक लुक्स वाइज जो है पीछे से भी आपको काफ़ी बढ़िया लगेगी। एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म है, पीछे ABS मिल जाएगा, डिस्क अगेन पीछे मिल जाता है। 140 सेक्शन का आपको टायर मिल जाता है पीछे जो है, लाइक टायर अगर आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे अपनी नंबर प्लेट लग जाएगी, LED लाइट दी गई है नंबर प्लेट के लिए। उसके बाद पीछे की टेल टाइट वगैरह आप देख सकते हो, नहीं है भाई कुछ भी, सिर्फ जो है इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए हैं। एंड जो टेल लाइट है वो जो है काफ़ी अच्छी लग रही है, LED में पूरी दी गई है, तो ये जो है काफ़ी बढ़िया लुक्स दे रही है। और पीछे से जो है ना लाइक साइड से आप देखते हो तो बाइक कुछ ऐसी लगती है, जो लुक्स है वो काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। अभी चलता हूँ मैं अदर साइड एंड देन देखते हैं। उससे पहले सीट दिखा देता हूँ। स्प्लिट सीट मिलती है, काफ़ी सॉफ्ट कुशनिंग है। पीछे थोड़ी सी कम सॉफ्ट है बट आगे वाली काफ़ी सॉफ्ट है। पीछे वाली की जो हाइट भी ज़्यादा नहीं दी है, K300R में काफ़ी ज़्यादा हाइट है रियर सीट के लिए, बट यहाँ पे नॉर्मल सी रखी गई है। कोई भी साड़ी गाड़ी यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया एंड प्लास्टिक जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है जहाँ तक कि मैंने अभी देखा इनका। और इस साइड में देखो पूरा इंजन लाइक फिल कर रखा है, कहीं से भी खुला ऐसे दिख नहीं रहा हेड वगैरह। उसके बाद सेंटर स्टैंड आपको नहीं मिलेगा, साइड स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर के साथ में। और यहाँ पे जो आपको 6-speed का गियरबॉक्स भी दिख रहा है, तो ये सीन है इधर का। इधर जो है ग्राफिक्स वगैरह ज़्यादा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा है, बट जो मेन जो काम किया नहीं उन्होंने वो है पार्ट्स पे। यहाँ पे ये पार्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सब की वजह से इसका जो लुक्स है वो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो टैंक जो है आपने देख लिया, यहाँ से आप जो है फ्यूल वगैरह फिल करा सकते हो। बटन्स जो है यहाँ पे पासिंग लाइट है जो कि आप देख सकते हो। ये जो इसकी हाई बीम लो बीम है, हाई बीम करके देखते हैं, तो ये हाई बीम है, ये लो बीम है, तो कुछ ऐसे काम करेगी। यहाँ पे हॉर्न मिल जाता है,
सिंगल हॉर्न है, राइडिंग मोड्स का बटन है, इंडिकेटर का बटन है, कंसोल अपना, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले साउंड सुन लेते हैं। नीचे जो है हैजार्ड का बटन है, तो साउंड वगैरह सुननी है तो भाई देखो ये इग्निशन का बटन है और नीचे सेल्फ का बटन है। स्टार्ट करनी है तो भाई उससे पहले अपने को गियर से हटानी पड़ेगी, तो न्यूट्रल कर ली है और अभी जो है सुनते हैं इसकी साउंड। जो बड़े इंजन नहीं होते हैं बिल्कुल वैसी साउंड है, जबरदस्त। उसके बाद यहाँ कीवेक की लाइक स्टिकरिंग दी गई है। मीटर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आरपीएम मीटर आपको मिल जाता है। ये जो है एस जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये है स्पोर्ट्स मोड अपना। इग्निशन जैसे मैं ऑन करूंगा तो यहाँ पे अब जब ये बटन दबाऊंगा ना तो देखना आप, एस से और ई बन जाएगा इको मोड, स्पोर्ट्स मोड। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग शो करता है, यहाँ पे ओडोमीटर, और ट्रिप वगैरह देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो। टेम्परेचर भी दिखाता है, बैटरी वोल्टेज वगैरह भी, और ये जो आप देख सकते हो ट्रिप वगैरह लाइक माइलेज वगैरह भी आई थिंक यहाँ पे आपको दिखा दे, बट नहीं फिलहाल कुछ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। उसके बाद इधर एक बटन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे अपने को स्पीडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल मीटर और ये ओडोमीटर पूरा टोटल। तो ये सारे फीचर्स मिलेंगे, ऊपर सारे इंडिकेटर है, नीचे सारे इंडिकेटर है, ये सारी चीज़ें आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। मिरर्स जो है काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के रखे गए हैं, क्वालिटी जो है इनकी भी काफ़ी अच्छी है। और ये जो बाइक है ना, ऑन रोड में आपको बता दूँ, सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस जान लेते हैं, 265,000 करीब जो इसके एक्स शोरूम प्राइस। बात करूँ ऑन रोड प्राइस, सो यहाँ पे जो है ना कलर पे डिपेंड करेगा। कलर जो है यहाँ पे रेड कलर जो है 328,000 का ऑन रोड, और जो इसमें लाइक वाइट कलर आता है वो जो है आपको लगभग 317,000 के करीब जो है आपको पड़ेगा। और जो इसका सबसे महंगा कलर है वो है ब्लैक कलर, वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा, 340,000 से ऊपर ऊपर। सो ये था आज का एक छोटा सा वॉक अराउंड रिव्यू। अभी जो कोई भी डाउट्स नीचे कमेंट करो, बाकी इस मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में, जो शोरूम का एड्रेस वो नीचे आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।